प्यारे बच्चों, आयकर विषय में आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स, यानी कर की वसूली एवं वापसी। बच्चों, जब एक करदाता अपने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंत तक निर्धारित तिथि के लिए अपना पूरा कर नहीं चुका पाता है तो उसे एक नोटिस दिया जाता है। उस दिए गए नोटिस के बाद 30 दिन की अवधि के अंदर उसे अपना निर्धारित कर चुकाना होता है। यदि कर निर्धारण अधिकारी आवश्यक समझे तो अवधि को 30 दिन से कम भी कर सकता है, और यदि करदाता चाहे तो प्रार्थना पत्र देकर अपने कुछ समय अवधि बढ़वा भी सकता है, लेकिन फिर भी दिए गए निर्धारित समय के अंदर उसे अपनी जो बकाया राशि है वो चुकानी ही होगी। यदि वो नहीं चुका पाता है, दिए गए निर्धारित समय तक कर की राशि नहीं चुका पाता है, तो करदाता को उस अवधि के समाप्त होने की तिथि से लेकर जिस दिन भुगतान करता है उस तिथि तक का उस बकाया राशि पर 1% प्रति महीने के हिसाब से ब्याज भी देना होगा। नोटिस में दी गई अवधि के समाप्त होने से पहले यदि करदाता रकम चुकाने की अवधि में वृद्धि करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र देता है और कर निर्धारण अधिकारी यदि उसकी अवधि को बढ़ा देता है, तो ऐसी अवस्था में भी मांग के नोटिस में दी गई तिथि के बाद की अवधि के लिए ब्याज चुकाना ही होगा। यदि अपील में मांग की राशि कम कर दी जाती है, यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ कि जो राशि बनती थी वो राशि उससे कम कर दी जाती है, तो ब्याज की राशि कम की गई कर दी जाएगी, यानी जितनी राशि बची है उसी राशि पर ब्याज दिया जाना होगा। यदि ब्याज अधिक चुकाया गया है तो यह ब्याज करदाता को वापस मिल जाएगा। यदि भविष्य में मांग की राशि बढ़ा दी जाए, यानी जितने पैसे करदाता ने चुकाने थे यदि उससे अधिक मांग लिए जाते हैं, तो करदाता को नोटिस के अनुसार जिस अंतिम तिथि तक भुगतान करना था उसकी समाप्ति से उस तिथि तक का ब्याज देना होगा जिस तिथि को यह भुगतान कर रहा है। इसके बाद का अगला विषय हमारा आता है ब्याज की माफ़ी का। यदि प्रधान कमिश्नर, कमिश्नर या अन्य अधिकारी करदाता के प्रार्थना पत्र देने पर यदि वह संतुष्ट हो कि राशि का भुगतान करने में करदाता को वास्तव में कठिनाई हुई है या राशि का भुगतान करने में चूक किन्हीं ऐसी परिस्थितियों के कारण हुई है जो करदाता के नियंत्रण से बाहर थी, या कर निर्धारण के संबंध में किसी पूछताछ में या राशि वसूली में करदाता ने सहयोग किया है, तो कमिश्नर यदि चाहें या अधिकारी चाहें तो उसका ब्याज कम कर सकते हैं या ब्याज माफ़ भी कर सकते हैं। प्रार्थना पत्र मिलने पर अधिकारी करदाता को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के पश्चात प्रार्थना पत्र को अस्वीकार भी कर सकता है। यदि स्वीकृत समय के अंदर मांगी गई राशि का भुगतान करदाता नहीं करता है तो करदाता को भुगतान में जो चूक हुई है उसे उस पर अर्थदंड लगाया जा सकता है। लगातार चूक करने पर अर्थदंड की राशि समय समय पर बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर अर्थदंड की राशि न चुकाई गई राशि से अधिक नहीं हो सकती। और यदि कर निर्धारण अधिकारी को चूक के कारणों का उचित और पर्याप्त अर्थ लगता है तो उस पर अर्थदंड नहीं लगाया जाता है। इसके बाद विषय आता है वसूली के तरीके। करदाता के द्वारा कर, ब्याज, जुर्माना, अर्थदंड या अन्य कोई रकम जिस अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा देय होनी थी उसकी वसूली कर निर्धारण अधिकारी जो है या टैक्स रिकवरी अफसर जो है वो उसकी वसूली के लिए चाहे तो उसकी चल अथवा अचल संपत्ति की कुर्की कर सकता है, उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर सकता है और उसकी चल संपत्ति या अचल संपत्तियों के प्रबंध के लिए रिसीवर की नियुक्ति भी कर सकता है। यदि करदाता कहीं नौकरी करने वाला व्यक्ति है तो कर निर्धारण अधिकारी या टैक्स वसूली अधिकारी उसके नियोक्ता को नोटिस देकर उसकी वेतन की में से भी कर की राशि काट ली जाती है। यदि करदाता के कोई देनदार है, यानी करदाता ने किसी को सामान या किसी अन्य कारणों से करदाता किसी से पैसे मांगता है, तो कर वसूली अधिकारी उसके पैसे की रकम वसूल करके भी कर या ब्याज की वसूली कर सकता है। इसी प्रकार से उसकी चल संपत्ति को बेचकर भी चल संपत्ति को प्रधान मुख्य कमिश्नर या मुख्य कमिश्नर या अन्य कोई भी अधिकारी बेचकर उसके माध्यम से पैसे वसूल कर सकते हैं। और यदि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी क्षेत्र में कर की वसूली का कार्य यदि राज्य सरकार को सौंपा जाता है तो राज्य सरकार भी इनमें से किसी तरीके को अपनाकर कर की वसूली कर लेते हैं। इसी अधिनियम के अंतर्गत यदि उपरोक्त राशियाँ समय पर दी नहीं जाती जो दी जानी थी उन पर यदि कोई अर्थदंड, जुर्माना या कोई ब्याज लगाया जाता है उनकी वसूली भी इसी प्रकार की जा सकती है। इसी में हमारा अगला विषय आता है रिफंड ऑफ टैक्स यानी कर की वापसी। यदि करदाता देकर से अधिक राशि चुका जाता है तो उसे इस आधिक्य को वापस पाने का भी अधिकार होता है। इस वापसी के अधिकार को ही कर की वापसी कहते हैं। वापसी क्यों उदय होती है? देखिए, कई बार क्या होता है, नियमित कर निर्धारण पर जो कर उसके द्वारा चुकाया गया है या उद्गम स्थान पर उससे जो कर काटा गया है वह राशि उसके द्वारा वास्तव में देकर से अधिक हो जाती है,
या किसी त्रुटि के सुधारने पर दे कर की राशि में कोई कमी हो जाती है, या कोई अपील के निर्णय अनुसार दे कर की राशि में कमी होती है, या कई बार दोहरे करारोपण की छूट स्वीकृत होने पर भी यदि कर में कोई कमी होती है तो जितना कर उसके द्वारा अधिक चुकाया गया है वह कर वापसी के लिए देय हो जाता है। वापसी मांगने के लिए करदाता जो है या तो स्वयं करदाता जिसने कर चुकाया है वह यदि एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय में शामिल की जाती है तो ऐसी आय के संबंध में वह आय जिस व्यक्ति की आय में शामिल की गई है वही व्यक्ति जो है कर वापसी के लिए अधिकारी होगा, या किसी करदाता की मृत्यु, अयोग्यता या वो दिवालियापन या कोई समापन वगैरह के कारण कोई व्यक्ति कर की वापसी नहीं कर मांग सकता है तो उसका कोई कानूनी प्रतिनिधि, ट्रस्टी, संरक्षक या रिसीवर ही ऐसी मांग कर सकता है। कर वापिस मांगने के लिए धारा 239-42 के अंतर्गत वापसी की मांग एक निर्धारित फार्म पर निर्धारित ढंग से अटेस्टेड करते हुए एक प्रार्थना पत्र देना होगा। प्रार्थना पत्र के साथ करदाता को अपनी आय का विवरण, यदि उसने यह विवरण पहले जमा नहीं करवाया है, उद्गम स्थान पर काटे गए कर का प्रमाण पत्र भी दाखिल करना होगा। वापसी की मांग उस कर निर्धारण वर्ष की अंत से एक वर्ष के अंदर की जा सकती है। अब करदाता को जितना कर अधिक चुकाकर जो वापसी उसे मिलती है, वापसी के समय में जितना विलंब आता है उस समय पर उसे ब्याज प्राप्त करने का अधिकार भी होता है। वापसी की स्वीकृति में विलंब होने पर 0.5% प्रतिमाह की दर से सरकार के द्वारा उसे ब्याज देय होगा। इसके तहत कर की वापसी की दशा में कर निर्धारण वर्ष के प्रथम दिन से वापसी स्वीकृत होने की तिथि तक की अवधि का ब्याज देय होगा, बशर्ते रिटर्न जो है उसकी धारा 139(1) में वर्णित तिथि तक दाखिल कर दी गई हो। यदि रिटर्न देरी से दाखिल किया गया है तो ब्याज रिटर्न दाखिल करने की तिथि से वापसी स्वीकृत होने की तिथि तक का देय होगा। यदि कर का भुगतान स्वयं कर निर्धारण के अंतर्गत किया गया है तो ब्याज रिटर्न दाखिल करने की तिथि या भुगतान की तिथि जो बाद में देय होगी से वापसी स्वीकृत होने की तिथि तक का देय होगा। किसी अन्य अवस्था में कर अथवा अर्थदंड चुकाने की तिथि से वापसी स्वीकृत होने की तिथि तक की अवधि का ब्याज देय होगा। इसके बारे में कुछ अन्य बातें भी आपको बताई गई हैं कि विलंब की अवधि की गणना करने के लिए वह अवधि शामिल नहीं की जाएगी जो करदाता के कारण किसी कार्यवाही में विलंब करने की अवधि हो। यदि वापसी की राशि में कोई वृद्धि अथवा कमी किसी ऐसे कारण से हो कि सबूत अथवा पूछताछ के आधार पर कर निर्धारण होने से हो, या सर्वोत्तम कर निर्धारण होने से हो, या पुनः कर निर्धारण आदि किसी कारण से हो तो उसके अनुसार भी ब्याज की राशि भी बढ़ा अथवा घटा दी जा सकती है। तो बच्चों, कर की वसूली एवं वापसी संबंधी अध्याय यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है। इस विषय का गहराई से अध्ययन करें। इस विषय में जो भी कोई त्रुटि यदि आपको कोई नज़र आती है या कोई विषय वस्तु आपको समझ में नहीं आती है तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर मुझसे कॉल करके संपर्क स्थापित करके इस बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।